वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाई जे ब्लॉग्स। आज हम लोग ऊपर को जा रहे हैं। मैं हूँ, निर्मल है, साक्षी, तिम्मो और ये अंशु हर्षु। ये तो आते ही सीधे ऊपर चढ़ जाते हैं। और अभी इससे पहले ना हमको बहुत खतरनाक वाला जाम मिला था, लेकिन अब सही है, अब यहाँ से जाम नहीं है। वो थोड़ा सा जो यहाँ से डाइवर्जन होता है नैनीताल और भीमताल के लिए, वहीं पर हमेशा हल्का फुल्का जाम तो रहता ही है। और मौसम देखो ये कितना प्यारा हो रहा है, और ऊपर आसमान में बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। मुझे लग रहा है आगे आज हमको मिलने वाला है कोहरा ही कोहरा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बता रहे हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। आज हम एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, बहुत सुंदर। आपको मतलब एक पहाड़ के जो बोलते हैं ना कुमाऊं के पहाड़ के, एक सुंदर से गांव के आपको हम दिखाएंगे। इस बार हम उसी गांव जा रहे हैं, वो बिल्कुल नैनीताल का गांव है। नैनीताल पहुंचने वाले हैं हम लोग और नैनीताल के एक छोटे से गांव में जा रहे हैं। वहां बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, कुकिंग, डांसिंग, सब मस्ती। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। क्या निर्मल का गुस्सा आ गया हमारे ऊपर चढ़ते ही। टॉयलेट आगे लग रहा। आज पहली बार मैं और तिम्मो सनरूफ में है ना तिम्मो? यो क्योंकि आज मेरी जो हमारी गाड़ी है वो निर्मल चला रहा है और हम लोग मजे ले रहे हैं ऊपर। भाई ऊपर गए, बड़ा मजा आया यार। आज मैं मतलब शायद फर्स्ट टाइम ऊपर गया हूँ अपनी गाड़ी में, क्योंकि कभी ऐसा मौका नहीं मिला। निर्मल तो था हमारे संग बहुत बार चलाता, लेकिन मैं कभी ऊपर गया नहीं ऐसे, है ना। और जो मोड़ों पे एकदम से तेज हो रहा था ना, कहीं गड्ढे आ रहे थे, और जो कमर में इधर इधर टकरा रहा था ना, तो उससे और मजा आ रहा था, मसाज हो जा रही थी कमर की। अब ये दोनों दोबारा से ऊपर चढ़ गए हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं जूलीकोट। क्या बंद है वो तेरा चला वो दे, उसकी टाइल टूटा होगा ना कोना। हाँ। मेरी बाइक से टूटा, मेरी बाइक की टंकी भी जल गई। ऐसे क्या किया तूने? अरे बाइक ऐसी लगी थी ना, ऐसे नाले में नहीं लगी। अच्छा, गिर गई होगी। हाँ। और ये लोग ना अभी ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि आगे पुलिस चौकी है, तो हमने बोला थोड़ी देर नीचे बैठ जाओ। मैं एकदम से उठ जाऊंगा अगर वो सामने। देखो यार व्यू कितना मस्त हो रहा है, वो सामने नैनीताल है उस पहाड़ी के पास, नैनीताल की पहाड़ी है, और बिल्कुल कोहरा कोहरा हो रहा है। अब हम पहुंच गए बलिया खान, और यहाँ से नैनीताल है मात्र 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर है यार यहाँ से। यहाँ से जाते हैं ये रास्ता है जहाँ हम जाएंगे, लेकिन अभी ये पीछे हमारे बहुत सारे बुक्कड़ बैठे हैं, इनको बहुत भूख लग गई है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं बलिया खान। तो यहाँ से नैनीताल सिर्फ 9 किलोमीटर जाता है। ये देखो छुटका सा बच्चा, इसकी तबीयत भी खराब हो गई, इसको उल्टी हो गई। हाँ, ये देखो ये हमारी हीरोइन। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं चाय पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा वगैरह। तो यहाँ आ चुके हैं हमारी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, और ये लोग टूट भी पड़े हैं, और ये बच्चे भी यहाँ खा रहे हैं। उत्कर्ष को खिला रहे हो नहीं खिला रहे हो? वो खुद ही खा लेता है, बस ठंडी होनी चाहिए। अच्छा ठंडी चलते दे ले था पाँच, मुझे वो भी खिला रही है, अपने हाथ से भी ले रहा है। मैं तो ये खा रहा हूँ, और इनके ब्रेड पकौड़ा भी आने वाले हैं। तो तुम हाँ, तो आ तो तुम्हारे ले रहे हैं ना यार। इनके लिए बोलो, इनके लिए ब्रेड पकौड़ा आने वाले हैं। तो खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से गांव की तरफ। पे ये तेरी बेल्ट है, कंधे पे रख ले। शाबाश, WWF का पहलवान। हाँ शाबाश, गिरना नहीं चाहिए। बॉयज और गर्ल्स का ये हो गया है कि ये दोनों जा रहे हैं गाड़ी से और हम लोग जा रहे हैं पैदल ट्रैक करके। बाय बाय, साक्षी ने बताया रास्ता में, तो देखते हैं। आओ बच्चे, यहीं पे गिरने वाली थी। ओए अल्लाह, घुरी गई थी वो। भैया कह रहे अभी घुरी गए थे तुम।
ये देखो हम पहुंच गए हैं, ये सिसौड़ हो रहा है देखो, इसे बोलते हैं बिच्छू घास, ये लग जाए तो आदमी हिल जाता है। देखो देखो हम जीते, फाइनली वी आर द विनर्स, वो देखो गाड़ी हमारी है, हम पहले पहुंच गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए बच्चों। वो है आ जाओ बैठो, चलो वहीं खड़े जाओ सब। वो जो सामने है ना वो है नैनीताल रोड, वहाँ से हम नीचे को आ गए हैं और बस यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं आड़ू खान गाँव, वहाँ 3 किलोमीटर समथिंग हो गया यहाँ से। वो देखो वो जो वहाँ पे घर है ना नीचे, हमको उस गांव पे जाना है। तो चल रहे हैं हम अपने सफर में। वाला रास्ता जा रहा है? हाँ जो नीचे गया। ये नया बनना है ना? हाँ। ये बोर बसानी होते हुए। अच्छा तो आप लोग यहाँ से भी नैनीताल जा सकते हैं, अभी तो बन रहा है शायद। तो यहाँ से जाएगा कौन, ये गांव वाले? अरे फतेहपुर बसानी उधर अम्रपाली लामाचौड़ वाला आदमी यहीं से नैनीताल आएगा ना, जब आएगा अपने वहाँ से आएगा ना। हाँ तो बस अब हम लोग पहुंच गए हैं, देखो हमको जाना है इस रास्ते से नीचे। और आगे कहाँ जाते हैं? आगे चले, ये मौसम तो आगे अच्छा होगा देखना। चलो फिर सही भी रहेगा, सही भी रहेगा। इतना तड़पाओगे मुझे, इतना दूर रखोगे मुझे उससे। तो यार हमको जाना था उस रास्ते से, लेकिन हम थोड़ा आगे घूमने जा रहे हैं। यहाँ देखो यार मौसम, तभी तो लाए हो मैं इधर, यहाँ ऐसी मौसम रहता है आखिरी में। यहाँ पे एक ही दुकान थी ये वाली, यहाँ पे अभी है शायद ना, हाँ खुली है, एक और है आगे जनरल स्टोर। अच्छा उस दिन शायद वाली बंद थी। और यहाँ पे मौसम देखो यार, ये है देखो, ये पोस्ट, ये बैंक है, नहीं पोस्ट ऑफिस है, ऐसी रहता है। अरे ऊपर ये पटो डंगर गांव चले गए यार ऊपर को, ये मौसम बहुत प्यारा हो रहा था ना, तो हमने कहा ऊपर को घूम आते हैं एक बार। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, मतलब बस फोटो खींच रहे हैं, बस आ रहे हैं बस। मिलन की जल्दी है, कार की धीमी है रफ्तार। ये बंद हो गया, ये इंस्टीट्यूट है भैया बायोटेक्नोलॉजी का, पटो डंगर नहीं चलता। ये तो ऐसी चलता है थोड़ा बहुत, पढ़ाई होती है? अच्छा होती है ना, हाँ मैं वही तो पूछ रहा था, इसका भी बहुत नाम है। कर गया था इसको। ये रास्ता आगे जाता है नहीं जाता ना? बस ये लास्ट यहीं तक है। हाँ तो वैसे जाता है, कच्चा है। हाँ। अच्छा मतलब ऐसी कच्चा है, आगे कोई गांव है क्या? वहाँ मिलता है ना जुलीकोट में। अच्छा तो यार यहाँ पे मौसम देखो यार कितना प्यारा हो रहा है चारों तरफ, वाह। ये देखो ये तिम्मू का भी कोई नया हेयर स्टाइल है, तिम्मू दिखा दो सही। और उत्कर्ष कैसा लग रहा है तुम्हें? अरे उत्कर्ष को बहुत मजा आ रहा है, उत्कर्ष दौड़ने में लगा है यहाँ पे। और ये देखो हमने कान्हा जी को भी इस मौसम का आनंद दिलाया है, ये देखो कान्हा जी को भी बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे, कान्हा जी बाहर बैठ गए हैं। और चारों तरफ का मौसम देखो यार, तिमो कैसा लग रहा है ये मौसम को देख के आपको? बहुत ही ज्यादा मौसम लग रहा है मुझे मौसम को देख के, मौसम बहुत सुहाना हो रहा है और मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पर ऐसे करूँ, मैं यहाँ पर शाहरुख खान बन जाऊँ। दिल तो पागल है, दिल दीवाना। तो भाई लोगों आपके वाईजे ब्लॉग्स, आज हम पहुँच गए हैं पटवा डांगर पे। तो पटवा डांगर जो नैनीताल से 9 किलोमीटर पहले पड़ता है, तो भाई लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, यहाँ पर आपको रेड बटन दिखाई देगा उसको क्लिक कर दो ऐसे तो, कोहरा क्या उड़ रहा है यार, मजा आ गया। अब देखो रास्ता देखो कितना खतरनाक है यहाँ से, हाँ रास्ता देख रहे हो, अगर एक बार में कोई नीचे से गाड़ी आ गई ना तो होगा क्या, कहाँ रखेंगे। रास्ता बना ही रहते तो थोड़ा सा बड़ा बना देते यार। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं, देखो ये गांव है, रास्ता ये है, और ये दो छोटे छोटे टॉमी हमको लेने आए हैं, एक ये एक ये, ये नहीं तीसरा अपना मामा है यार। तिमो आज साइड में आ जाओ, चलो चलते रहो चलते रहो। यार देखो अभी हम ऊपर गए थे ना यहीं से रोड से उधर ऊपर, ये पटवा डांगर गांव है, वहाँ क्या मौसम हो रहा था, और अभी एकदम से देखो धूप आ गई। क्या है जोंक ने काट दिया, सुधा स्वागत हुआ है, चिपका ही रहा वो खाना खा रहा था ना।
और देखो यहाँ पे ना ये बगल बगल में नदी जैसी भी चल रही है। और ये मिसेस तिम्मो, हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स गांव, जहाँ हम दो दिन रहने वाले हैं। आपको फुल गांव का व्यू दिखाएंगे, गांव में कैसे खाना बनाते हैं, कैसे खाते हैं और कैसे मस्ती करते हैं सब कुछ। इससे बोलते हैं पटवा डंगल आड़ू खान। तो नैनीताल से 9 किलोमीटर पहले ये गांव पड़ता है, यहाँ जोंग बहुत सारे होते हैं। एक बच्चे को जोंग लग भी गया। तो हम लोग बैक होके जा रहे हैं क्योंकि धूप इधर से पड़ रही है, उधर से हमारा चेहरा काला आता है, इधर से सफ़ेद आएगा। तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और आगे भी बहुत खूबसूरत ब्लॉग आने वाले हैं, इसलिए बेल आइकन एक दो दिन यहीं पर रुकने वाले हैं। हाँ, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो YJ ब्लॉग्स की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल YJ ब्लॉग्स। यू